हे एवरीवन, तो हम लोग यार अपना पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सीरीज स्टार्ट हो रहा है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार मैं, और आप लोग मेरा एक्साइटमेंट देख भी सकते होगे। तो सबसे पहले यार मैं अपना सीरीज स्टार्ट करना चाहता था, सीरीज स्टार्ट करने से पहले आदि योगी जाना चाहता था एक बार दर्शन करने के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना यार हम लोग का सीरीज का स्टार्ट यहीं से किया जाए, जो कि आदि योगी हमारे कोयम्बतूर में 112 फीट टॉल आदि योगी शिवा का स्टैचू है। तो हम लोग का सीरीज यार यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है कोयम्बतूर में, उसके बाद यार हम लोग का एक और ये यहाँ से हमारा सीरीज चालू हो चुका है। और मैं आपको यार जो भी बोला हूँ सब में जगह लेके जाने वाला हूँ, माउंटेन हाइकिंग बोटिंग वाटरफॉल वाइल्ड लाइफ जीप सफारी आइलैंड और भी बहुत कुछ है यार, बर्ड वॉचिंग ये सब मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो बने रहिए यार मेरे साथ और जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट प्लेस जो कि है कोयम्बतूर से। आदियों की पहुँचने के लिए कोयम्बतूर में हमें जाना है गांधीपुरम बस स्टॉप से हमें 14D का बस लेना है, जो कि हमको सीधा ईशा फाउंडेशन पहुँचा देगा। तो हमें इसमें यार 40 रुपीज़ पे करना है, और ये 35 किलोमीटर्स का जो जर्नी है काफ़ी अच्छा जर्नी यार, दोनों साइड रोड से कवर है, आप काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्री देखेंगे, फ्लावर्स देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार जर्नी है। आपको कुछ सब पता ही नहीं चलेगा, और जस्ट कुछ समय में हम लोग यार ईशा फाउंडेशन पहुँच गए। ये ईशा फाउंडेशन का मेन गेट है जहाँ से हमारा एंट्री होता है। सबसे पहले यार ईशा के अंदर जैसे हम लोग जाते हैं तो हमें काल भैरव टेम्पल देखने के लिए मिलता है, जो कि यार अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है और अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है। तो यार जस्ट अभी हम लोग मेन गेट ईशा का मेन गेट से एंट्री किए हैं, और ये जो मेन रास्ता है यहाँ पर से अभी हम लोग जाने वाले आदियोगी की तरफ। तो जस्ट यार अभी चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ मेन गेट से आदियोगी यार थोड़ा काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो चलते चलते यार कई अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लगेज है तो आप लोग थक भी सकते हो। तो जस्ट हम लोग अभी चलते हैं। वैसे कैब वैब यहाँ पर पूरा एंट्री अलाउ है, और बस जो है वो ऐसा घूम कर आता है पीछे वाले गेट में, सीधा सरपवासा आता है मेन गेट को क्रॉस करके। अब हम लोग आदियोगी की ओर जा रहे हैं। मेन गेट से यार आदियोगी सच में यार थोड़ा दूर था, लेकिन रास्ता ऐसा सुंदर है कि हमें यार कोई रिग्रेट नहीं हुआ। बस चलते रहे और थोड़ी ही देर में चलते चलते हम पहुंच जाते हैं हमारे आदियोगी के पास। फाइनली आदियोगी पहुंच चुके हैं। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यार सदगुरु के बारे में नहीं जानते, ईशा फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते, लेकिन आदियोगी को सब लोग देखे हुए हैं। तो 112 फीट ये बड़े है स्टैचू जो बना हुआ है, ये आदियोगी का स्टैचू है। तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। थोड़े यार अभी बाहर के टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं, वरना कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ आश्रम के लोग भी रहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आदियोगी है, और ये कोयम्बतूर के ये वेलिंगेरी माउंटेन से पूरा राउंडेड है। तो यार जस्ट आदियोगी के बाद ये पाथ है जो हमारा, ये हम लोग का मेन सर्पवासा गेट लेके जाएगा, जो सर्पवासा गेट यहाँ इसका मतलब आश्रम का मेन एंट्री है। उसके बाद हम लोग सर्पवासा गेट के बाद सूर्यकुंड मिलेगा, सूर्यकुंड के बाद हम लोग को ध्यानलिंगा जाने मिलेगा, और ध्यानलिंगा के जस्ट पीछे में हम लोग का देवी टेम्पल है। तो जस्ट यार अभी हम लोग जा रहे हैं सर्पवासा गेट के लिए। तो चलो यार फुल स्पीड में सर्पवासा चलते हैं। जैसे ही यार हम ये सर्पवासा गेट क्रॉस करेंगे तो आश्रम का मेन एंट्री चालू हो जाता है, और यहाँ से जैसे ही आप थोड़े अंदर जाएंगे तो हमको मिलने जाएगा देखने के लिए सूर्यकुंड। सूर्यकुंड के बाद है यार हमारा ध्यानलिंगा, ध्यानलिंगा के बाद हमारा देवी टेम्पल भी है, और आश्रम का मेन एंट्री भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ईशा में दो तीर्थ कुंड है, एक सूर्य कुंड जो कि मेल एनर्जी के लिए फोकस है, दूसरा है चंद्र कुंड जो कि फीमेल्स के लिए है। सूर्य कुंड में 3 रसलिंगा है जो कि सूर्य कुंड के पानी को एनर्जाइज करता है। कहते हैं ध्यानलिंगा में जाने से पहले सूर्य कुंड में एक डिप लेने से हमारा रिसेप्टिविटी लेवल बढ़ जाता है ध्यानलिंगा की एनर्जी के लिए, और हमारा प्राणा एक्टिव हो जाता है। ध्यानलिंगा एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें 7 चक्र एक्टिव है, पूरे वर्ल्ड में इसके जैसा कोई दूसरा कहीं नहीं है। सदगुरु ने अपना 3 लाइफ टाइम स्पेंड किया ध्यानलिंगा के कॉन्सिक्रेशन के लिए। कहते हैं जिसे मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी ध्यानलिंगा के अंदर आके बैठने से उसे मेडिटेटिव एक्सपीरियंस होगा। सदगुरु ने कहा है जो भी एक बार ध्यानलिंगा के अंदर आकर बैठ जाता है उसे कोई नहीं रोक सकता,
उसके अल्टीमेट लिबरेशन यानी मोक्ष पाने से। ध्यानलिंगा में कुछ समय बैठ के मेडिटेशन करने के बाद हम चले जाते हैं देवी टेंपल। तो जस्ट यार अभी देवी टेंपल, ध्यानलिंगा टेंपल ये सब जाने के बाद अभी मैं बस यहाँ आके यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये नालंदा ग्राउंड है तो यहाँ यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हवा चलता है और ये चारों तरफ से माउंटेन से, वेलंगिरी माउंटेन से घिरा हुआ है। तो जस्ट अभी हम लोग नालंदा ग्राउंड में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा अगर आपको मैं व्यू दिखा दूँ तो ये देखो, बैम्बू ट्री के नीचे बैठे हुए हम लोग। ये जो आप देख रहे हैं ये ईशा फाउंडेशन के अंदर का सीन है। मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया आश्रम के अंदर। गायों से मिलना, मोर देखना और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना खुद के साथ। ईशा एक ऐसा प्लेस है जहां आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। बस यही था यार मेरा ईशा फाउंडेशन का सफ़र। तो यार अगर आप लोगों को आश्रम के अंदर जाना है, अगर आप एक नॉर्मल विजिटर हो तो आप आदियोगी जा सकते हैं, सर्पवासा देख सकते हैं, सूर्यकुंड जा सकते हैं, ध्यानलिंगा देवी टेंपल ये सब आपके लिए एक्सेस है। लेकिन अगर आपको आश्रम के अंदर जाना है तो ये अलाउड नहीं है सभी के लिए, नॉर्मल विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं है आश्रम के अंदर जाना। आश्रम के अंदर अगर आपको जाना है, आश्रम के अंदर का एक्सपीरियंस करना है, जैसे कि मैंने आपको नालंदा ग्राउंड दिखाया और ये सब जो था, आश्रम में जाकर रहना है, स्टे करना है, वहाँ का अलग एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस करना है। यार दो तरीका है जिससे आप लोग आश्रम के अंदर जाकर रह सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका है कि आपने इनर इंजीनियरिंग किया है। अगर आपने इनर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इनर इंजीनियरिंग एक ईशा का प्रोग्राम है जिसको आप कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने इनर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है तो आप एक ईशा मेडिटेटर बन चुके हैं, तो आपको फ्री है अलाउ, आप अंदर आके आश्रम में आके रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, आपको फूड मिलेगा और रहने के लिए अकोमोडेशन भी मिलेगा। सेकेंड तरीका, अगर आपने इनर इंजीनियरिंग नहीं किया लेकिन आपको आश्रम के अंदर जाके एक्सपीरियंस करना है, वहाँ का रहना है, तो सेकंड तरीका ये है कि यार आप लोग स्टे बुक कर सकते हो आश्रम के अंदर, स्टे बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो मिनिमम चार्ज 800 है फॉर टू पीपल। एक रूम में दो लोग रह सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा जिसके आप लिंक खोल के अपना बुकिंग कर सकते हैं। आप लोग बुक कर सकते हो या तो अपना इनर इंजीनियरिंग करके वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो। वॉलंटियरिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, थोड़ा सेवा कर रहे हो, तो इस तरीके से हो सकता है। तो जस्ट यार ये वीडियो इतना ही था, और अगर आपको कुछ डाउट है ईशा से रिलेटेड और कुछ भी है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिए। और अगर आप पहले ईशा जा चुके हैं तो जरूर कमेंट में बताइए मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस यार काफी ज्यादा मजेदार था। मैं कुछ और दिन रहना चाहता हूँ लेकिन हमारा सीरीज क्योंकि बहुत लंबा चलने वाला है तो मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी था, इसलिए यार यहाँ पास एक स्पेशल इवेंट भी होता है शाम के समय डेली 7:00 को स्टार्ट होता है जो कि आदि योगी दिव्य दर्शन। तो ये वीडियो बस यार इतना ही था हमारा। हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए यार बाय बाय, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।